परिचय आज छुट्टी का दिन है और हम शाम को खरीदारी करने बाजार जाएंगे टीना कृपया मुझे एक गिलास ठंडा पानी दो हाँ अभिलाई पिताजी पिताजी आपके लिए पानी धन्यवाद टीना पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ हाँ हाँ पूछो रेफ्रिजरेटर कैसे कार्य करता है रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग शीतलन कैसे होती है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है टीना क्या तुम्हें नहीं पता कि रेफ्रिजरेटर ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है ऊष्मा गतिकी वह क्या होता है पिताजी ऊष्मा गतिकी ऊष्मा के विनियम का अध्ययन है और हमारा रेफ्रिजरेटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है अर्थात यह अंदर से बाहर की ओर ऊष्मा को पंप करता है ठीक है पिताजी मुझे मेरा उत्तर मिल गया और मैं ऊष्मा गति की बारे में और अधिक जानना चाहती हूं आज आइए ऊष्मा गति की बारे में और अधिक अध्ययन करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे ऊष्मा गति की को परिभाषित करना तापीय समयावस्था को जानना गतिकी के नियमों को परिभाषित करना ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा और कार्य को परिभाषित करना विशिष्ट धारिता की गणना करना गतिकी अवस्था चरों और अवस्था के समीकरण का विश्लेषण करना गतिक प्रक्रमों को समझना ऊष्मा इंजन रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का विश्लेषण करना उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों को परिभाषित करना कनार्ट इंजन को समझना परिभाषा ऊष्मा गतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा और तापमान और ऊष्मा एवं ऊर्जा के अन्य रूपों के अंत रूपांतरण की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है ऊष्मा गतिकी एक स्थूल दर्शीय विज्ञान है यह स्थूल निकायों का वर्णन करती है और द्रव्य की आणविक संरचना की व्याख्या नहीं करती है रेफ्रिजरेटर रूम हीटर स्वेटिंग वाटर बॉटल विंडशील्ड मिस्टिंग दैनिक जीवन में ऊष्मा गतिकी के कुछ सामान्य उदाहरण हैं तापीय समयावस्था तापीय समयावस्था किसी निकाय की वह अवस्था होती है जिसमें स्थूलदर्शी चर जो निकाय को विशेषता प्रदान करते हैं समय के साथ नहीं बदलते आइए एक उदाहरण लें सर्दी के मौसम में जब आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो ऊष्मा बाहर के तापमान को संतुलित करने के लिए बाहर निकलती है कुछ समय बाद आप महसूस करते हैं कि घर के अंदर और बाहर का तापमान एक समान है यह तापीय समयावस्था के कारण होता है तापीय समयावस्था वातावरण और दीवार की प्रकृति पर निर्भर करती है जो निकाय को वातावरण से अलग करती है ऊष्मा का शून्यवा नियम ऊष्मा के शून्यवे नियम के अनुसार यदि दो निकाय ए और बी एक तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग समयावस्था में हैं, तो निकाय ए और बी एक दूसरे के साथ समयावस्था में होते हैं वह भौतिक राशि जो यह निर्धारित करती है कि कोई निकाय एक दूसरे निकाय के साथ समयावस्था में है या नहीं तापमान कहलाती है अब शून्य नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है तापमान एक ऐसी अधिश राशि है जो सभी ऊष्मागतिक निकायों का एक गुण है इस प्रकार तापमान की समता तापीय समयावस्था के लिए आवश्यक व अनिवार्य शर्त है आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा और कार्य आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी पिंड में इसके अणुओं और उनकी अनु क्रिया से उत्पन्न अनियमित गति के कारण होती है आंतरिक ऊर्जा कहलाती है ऊष्मा वह ऊर्जा जो एक पिंड से दूसरे पिंड में उनके तापांतरों के कारण प्रवाहित होती है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है कार्य निकाय पर बाह्य सामान्यकृत यांत्रिकीय सीमाओं में परिवर्तनों द्वारा एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित ऊर्जा को कार्य के रूप में जाना जाता है आइए एक उदाहरण लें एक पात्र में एक गैस रखी जाती है गैस के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया जाता है जब अणुओं में प्रसार होता है तो यह बहुत अधिक आयतन घेर लेती है यह विस्थापन किया गया कार्य है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा यू ऊर्जा स्थानांतरण के दो तरीकों द्वारा बदल सकती है ऊष्मा और कार्य ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निकाय को दी जाने वाली ऊर्जा डेल्टा क्यू का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू को बढ़ाने और शेष वातावरण पर कार्य डेल्टा डब्ल्यू करने में व्यय होती है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जहां डेल्टा क्यू बराबर वातावरण द्वारा निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा डेल्टा डब्ल्यू बराबर वातावरण पर निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल्टा यू बराबर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यदि निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा वातावरण पर कार्य करने में निकाय द्वारा पूर्ण रूप से प्रयुक्त तो हो जाए तो डेल्टा यू बराबर शून्य इससे प्राप्त होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू विशिष्ट धारिता किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान एक केल्विन या एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो एम द्रव्यमान के एक ठोस का तापमान डेल्टा टी तक बढ़ाने के लिए डेल्टा क्यू ऊष्मा की आवश्यकता है जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी मोलर विशिष्ट ऊष्मा सी बराबर एक बटे एन गुणा डी क्यू बटे डी टी लगभग दी गई मात्रा तक प्रत्येक धातु के तापमान को बढ़ाने के लिए प्रति अणु 25 जूल मोल इनवर्स सेल्सियस इनवर्स की जरूरत होती है तापमान के साथ ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का परिवर्तन शून्य डिग्री से सौ डिग्री सेल्सियस तक तापमान के फलन के रूप में जल की विशिष्ट ऊष्मा को आलेखित किया गया है उदाहरण आइए एक उदाहरण लें एक ब्रेड से प्राप्त ऊर्जा द्वारा 60 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति कितने मीटर तक चढ़ सकता है यदि वह एक लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है मान लें कि मानव शरीर 28 प्रतिशत की कार्यक्षमता से कार्य करता है जी का औसत मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लें आइए हल देखें यहां द्रव्यमान और कार्यक्षमता दी गई है जो क्रमशः 60 किलोग्राम और 28% प्रतिशत है मान लीजिए कि अभिशिष्ट ऊंचाई h है अब हम जानते हैं कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है अतः इसे सरल करने पर हम प्राप्त करते हैं साठ गुणा नौ दशमलव आठ गुणा एच जूल इसकी गणना करने पर हमें प्राप्त होता है पांच सौ छियासी एच प्रति चार दशमलव दो जूल प्रक्रम से संबद्ध ऊष्मा बराबर एक लाख कैलरी गणना करने पर हमें प्राप्त होता है अठाईस बटे सौ गुणा एक लाख जो बराबर है पांच सौ अठासी एच बटे चार दशमलव दो के अतः एच बराबर दो सौ मीटर अतः व्यक्ति दो सौ मीटर तक चढ़ सकता है ऊष्मागतिक चर और अवस्था समीकरण जब कोई निकाय अपने वातावरण के साथ सामान्य अवस्था में होता है तो निकाय का दाब p, आयतन v और तापमान t निकाय की ऊष्मागतिक अवस्था की व्याख्या करता है इन्हें अवस्था चर भी कहा जाता है समीकरण अवस्था किसी पदार्थ द्वारा संतुष्ट P, V और T के मध्य एक संबंध है सरलतम अवस्था समीकरण आदर्श गैस समीकरण है जब हम एक विशिष्ट तापमान के लिए दाब और आयतन के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त वक्र समतापी कहलाता है CO2 के लिए अलग अलग समतापियों के आलेख इस प्रकार ऊष्मा गतिक प्रक्रम स्थैतिक कल्प प्रकरम ऐसा निकाय जो अपने चरों को इतनी मंद गति से बदलता है कि यह पूरी प्रकरम में अपने वातावरण के साथ तापीय या तांत्रिकीय समावस्था में रहता है स्थैतिक कल्प प्रकरम में प्रत्येक चरण में निकाय और वातावरण के दाब और आयतन में बहुत कम अंतर होता है सम आयतनिक प्रकरम सम आयतनिक प्रकरम में आयतन नियत रहता है गैस पर या गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा पूरी तरह से इसकी आंतरिक ऊर्जा और इसके तापमान को परिवर्तित करने में व्यय होती है नियत आयतन पर ऊष्मा की दी गई मात्रा के लिए तापमान में परिवर्तन का निर्धारण गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वारा किया जाता है समदाबी प्रकरम समदाबी प्रकरण में दाब निश्चित रहता है अवशोषित ऊष्मा का कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में और कुछ भाग कार्य करने में व्यय होता है नियत दाब पर ऊष्मा की दी गई मात्रा के लिए तापमान में परिवर्तन गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वारा निर्धारित होता है चक्रीय प्रकरम चक्रीय प्रकरम में निकाय अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आता है क्योंकि आंतरिक ऊर्जा एक चर है एक चक्रिय प्रकरम के लिए डेल्टा यू बराबर शून्य अवशोषित कुल ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है समतापी एवं स्थिरोष्म समतापी इस प्रकरम में निकाय का तापमान नियत रहता है एक आदर्श गैस के मोलों की दी गई संख्या के लिए हमारे पास है पी वी बराबर एन आर टी जहां एन बराबर मोलों की संख्या टी बराबर गैस का तापमान आर बराबर सार्वत्रिक गैस नियंत्र चूंकि टी नियत है इसलिए पी वी भी नियत है समतापी प्रकर्मों की आवश्यक शर्तें हैं तापमान नियत रहना चाहिए परिवर्तन मंद दर पर होने चाहिए गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो स्थिरोष्म प्रकर इस प्रक्रिया में निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का कोई विनियम नहीं होता है डेल्टा क्यू बराबर शून्य स्थिरोष्म प्रकर्मों के लिए आवश्यक शर्तें हैं ऊष्मीय ऊर्जा का कोई स्थानांतरण नहीं होना चाहिए परिवर्तन तीव्र दर पर होने चाहिए विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो एक आदर्श गैस का दाब आयतन वक्र दो समतापियों को जोड़ने वाले दो स्थिरोष्म प्रकर्मों को प्रदर्शित करता है ऊषमा इंजन ऊष्मा इंजन एक ऐसा उपकरण है जो एक कुंड से निकलने वाली ऊष्मा के एक भाग को उच्च तापमान पर उपयोगी कार्य में बदलता है और शेष को निम्न तापमान पर कुंड को निराकृत कर देता है ऊष्मा इंजन चार घटकों से मिलकर बनता है स्रोत जहां से ऊष्मा निकलती है सिंक जहां ऊष्मा के एक भाग को निराकृत किया जाता है कार्यकारी पदार्थ कुछ गैस या जलवाष्प जो कोई उपयोगी कार्य करने के लिए फैलता है मशीन कोई यांत्रिक निकास जिस पर उपयोगी कार्य किया जाता है कुशलता ऊष्मा इंजन की कुशलता को किए गए कार्य और स्रोत से निकलने वाली ऊष्मा के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है कुशलता बराबर एक माइनस क्यू दो बटे क्यू एक रेफ्रिजरेटर और हीट पंप किसी रेफ्रिजरेटर में ठंडे कुंड से गर्म कुंड की ओर ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह यह T2 पर ठंडे कुंड से ऊष्मा की Q2 मात्रा अवशोषित करता है एक बाह्य कारक द्वारा इस पर कार्य किया जाता है और T1 पर गर्म कुंड पर ऊष्मा की Q1 मात्रा निराकृत होती है निकाय एक बाह्य कारक द्वारा संचालित होता है रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक अल्फा बराबर क्यू दो बटे क्यू एक माइनस क्यू दो ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं यह उस दिशा को इंगित नहीं करता है जिसमें परिवर्तन हो सकता है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम इस बारे में कोई विचार नहीं देता कि परिवर्तन किसी सीमा तक होता है ऊषमा गतिकी का द्वितीय नियम प्राकृतिक रूप से होने वाले ऊर्जा रूपांतरण की दिशा के बारे में जानकारी देता है द्वितीय नियम के दो प्रमुख कथन इस प्रकार है क्लासियस कथन ऐसे उपकरण का निर्माण करना असंभव है जो जब एक चक्रीय प्रक्रिया में परिचालित हो तो एक ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरण के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न न करे कैल्विन प्लांक कथन ऐसे उपकरण का निर्माण करना असंभव है जो जब एक चक्रीय प्रक्रम में परिचालित हो तो एक स्रोत से उष्मा लेकर इसे पूरी तरह से कार्य में रूपांतरित कर दे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रक्रम यह वह प्रक्रम है जिसे पुनः विपरीत दिशा में प्राप्त किया जा सकता है ताकि निकाय और वातावरण प्रत्यक्ष प्रक्रम में प्रत्येक चरण पर उसी एक समान अवस्था से गुजरते हैं विद्युत अपघटन एक स्प्रिंग का मंद स्पीडन एवं विरलन उत्क्रमणीय प्रकरम के उदाहरण है अनुत्क्रमणीय प्रकरम यह एक ऐसा प्रकरम है जो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लौटते निकाय प्रत्यक्ष प्रकरम में एक समान मध्यस्थ अवस्था से नहीं गुजरता है सभी रासायनिक अभिक्रियाएं और प्राकृतिक प्रकरम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण हैं कनाट इंजन कनाट का इंजन उत्क्रमणीय चक्र के कार्य करता है जिसे कनाट का चक्र कहा जाता है एक कनाट के चक्र में निम्न चरण होते हैं समतापी प्रसार सिलेंडर स्रोत के साथ तापीय संपर्क में रखा जाता है और पिस्टनों पर धीरे धीरे भार घटाया जाता है गैस नियत तापमान टी एक पर समतापीय रूप से फैलती है और आयतन V1 एक से बढ़कर V2 दो हो जाता है इस प्रसार के दौरान अवशोषित ऊष्मा की मात्रा Q1 एक है स्थिरोष्म प्रसार। सिलेंडर को एक अचालक स्टैंड पर रखा जाता है और पिस्टनों के भार को और घटाया जाता है स्थिरोष्म प्रसार तब तक होता है जब तक कि तापमान गिरकर सिंक के टी दो तक नहीं पहुंच जाता गैस का आयतन V2 दो से बढ़कर V3 तीन हो जाता है और इसका तापमान T1 एक से गिरकर T2 दो हो जाता है समतापी स्पीडन सिलेंडर को सिंक पर रखा जाता है और पिस्टन पर भार को बहुत धीरे धीरे बढ़ाया जाता है गैस T2 दो पर समतापीय रूप से संपीडित होती है और इसका आयतन V3 तीन से घटकर V4 चार हो जाता है समतापीय स्पीडन के दौरान निराकृत ऊष्मा स्पीडन सिलेंडर को अचालक स्टैंड के ऊपर रखा जाता है और भार को और बढ़ाया जाता है स्थिरोष्म स्पीडन तब तक होता है जब तक कि गैस का तापमान स्रोत के तापमान को बढ़ा नहीं देता इस प्रकार गैस का आयतन और घटकर V4 से V1 हो जाता है और इसका तापमान T2 से बढ़कर T1 हो जाता है एक कनाट चक्र की कुशलता है Q1 एक बटे क्यू दो बराबर टी एक बटे टी दो क्या आप जानते हैं क्लासियस ने दिखाया कि प्रत्येक घटना वास्तव में इसलिए होती है क्योंकि ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्रों से निम्न ऊर्जा वाले क्षेत्रों की ओर गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्रों की ओर गति करती है एक बार ऊर्जा के ऊष्मा में बदल जाने पर या नष्ट हो जाने पर इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता जैसे कि बर्फ के पिघल जाने पर आप उससे पुनः इग्लू नहीं बना सकते ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार प्रत्येक बार उपयोग करने पर ऊर्जा नष्ट होती है इसलिए ब्रह्मांड की एंट्रेपी बढ़नी चाहिए सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऊष्मा गति की भौतिकी की वह शाखा है जो ऊष्मा और तापमान और ऊष्मा के अंतः रूपांतरण और ऊर्जा के अन्य रूपों की अवधारणाओं पर चर्चा करती है तापीय समयावस्था किसी निकाय की वह अवस्था है जिसमें स्थूलदर्शी चर जो निकाय को विशेषता प्रदान करते हैं समय के साथ नहीं बदलते हैं यदि दो निकाय ए और बी एक तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग समयावस्था में हैं, तो निकाय ए और बी एक दूसरे के साथ समयावस्था में होते हैं निकाय को दी जाने वाली ऊर्जा का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में और शेष वातावरण पर कार्य करने में व्यय होता है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो पदार्थ के एकांक एक द्रव्यमान का तापमान एक केल्विन या एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो ऐसे उपकरण का निर्माण करना असंभव है जो जब एक चक्रीय प्रकरण में परिचालित हो तो एक ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरण के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न न करे ऐसे उपकरण का निर्माण करना असंभव है जो जब एक चक्रीय प्रक्रम में परिचालित हो तो एक स्रोत से ऊष्मा लेकर इसे पूरी तरह से कार्य में रूपांतरित कर दे